हमारे YouTube चैनल एस सचान टेक्निकल पे। तो गाइज कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, तो गाइज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किसी के फ़ोन नंबर से उसकी FBI ID कैसे पता कर सकते हैं। मतलब गाइज अगर आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है और आप अगर ये पता करना चाहते हैं कि इस फ़ोन नंबर से कितनी ID बनी हुई है और किस किस नेम से बनी हुई है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से पता कर सकते हैं। मतलब गाइज क्या होता है, कभी कभी आप किसी की IDFA में ढूंढ रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि वो किस नेम से ID बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल लोग क्या होता है कि अलग अलग नेम से ID बना लेते हैं। तो क्या गाइस अगर आपके पास उसका नंबर है तो आप उस नंबर से मतलब जान सकते हैं कि इस नंबर से इसकी कितनी ID बनी हुई है। अगर वो लड़की के नाम से बनाया होगा तो भी पता चल जाएगा, और अगर किसी लड़के के नाम से बनाया होगा तो पता चल जाएगा। मतलब कि उस नंबर से जितनी भी ID उसने बनाई होंगी वो सारी ID आ जाएंगी। आप मतलब बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि मतलब नंबर से कितनी ID बनी हुई है। तो गाइस चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं किसी के फ़ोन नंबर से उसकी ID कितनी बनी हुई है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जा करके आपको FBLite ऐप से डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ वो FBLite का बता रहा हूँ। वैसे ये प्रोसेस फेसबुक में भी काम आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप FBLite करिए, क्योंकि मैं FBLite का प्रोसेस बता रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस आपको यहाँ से प्ले स्टोर से FBLite ऐप से डाउनलोड कर लेना होगा। FBLite अगर आपके फ़ोन में पहले से ही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो FBLite ऐप से डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको ऐप्स को ओपन करना होगा। तो मेरे में पहले से ही है तो मैं यहाँ से ऐप्स को ओपन करता हूँ। तो गाइस आपको अपना FBLite ऐप से ओपन करना होगा। जैसे गाइस आप अपना FBLite ऐप से ओपन करेंगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप्स ओपन हो रहा है, यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा फॉरगेट पासवर्ड। तो गाइस आपको इसमें क्लिक कर देना हो, मतलब कुछ करना नहीं, बस आपको सीधे इसमें क्लिक कर देना हो फॉरगेट पासवर्ड। तो गाइस जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है फाइंड योर अकाउंट। तो गाइस यहाँ पर लिखा है एंटर योर फ़ोन नंबर। तो गाइस आपको यहीं पर अगर आपके पास जो भी नंबर है, आप जिस नंबर से पता करना चाहते हैं इस नंबर से कितनी आईडी बनी हुई है, किस किस नेम से बनी हुई है, तो गाइस आपको वही नंबर यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल पे आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर देता हूँ, आप भी अपना नंबर एंटर कर दें जो भी आपका हो। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये नंबर एंटर कर दिया है। आपको यहाँ पर नंबर एंटर करने में गाइस आपको यहाँ पर सर्च बटन में क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये नंबर एंटर किया है, इस नंबर से जो भी आईडी बनी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ, तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नॉट नाउ, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ऊपर यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी। तो वैसे यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो, नहीं तो यहाँ पर उस आईडी की मतलब पिक यहाँ पर शो होने लगती है, यहाँ पर मतलब जो भी आईडी होगी उसकी यहाँ पे पिक्स होने लगती है। तो गाइस जैसे मैं एग्जांपल दूसरा नंबर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरा नंबर यहाँ पर डाल करके आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैं यहाँ पर ये दूसरा नंबर डाल देता हूँ, दूसरा नंबर डालने में जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नंबर से गाइस कितनी आईडी बनी हुई है। यहाँ पर गाइस जो मैंने यहाँ पर नंबर डाला हुआ था यहाँ पर 5 ID बनी हुई है, 6 ID यहाँ पर बनी हुई है। जो नंबर मैंने यहाँ पर डाला तो गाइस उस नंबर से 6 ID बनी हुई थी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो भी नंबर हो वो नंबर बस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नंबर एंटर करने पर यहाँ पर सर्च बटन पे आपको क्लिक करना होगा, उस नंबर से जितनी भी आईडी होंगी वो सारी आईडी यहाँ पर शो होंगी। तो गाइस वो आईडी यहाँ पर आप उनका यूज़र नेम देख सकते हैं और फेसबुक में जा करके सर्च कर सकते हैं, बस वो आईडी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पर दूसरा भी तरीका है यहाँ पर सर्च बाई ईमेल एड्रेस और नेम। तो गाइस अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है उसका, तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर टाइप करके आईडी उसकी खोल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च बाय ईमेल एड्रेस और नेम पे क्लिक करूँगा, तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करके सर्च कर लेंगे। अगर आप नेम से खोजना चाहते हो तो नेम यहाँ पर टाइप करके नेम से सर्च कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा ही आसान सा तरीका था किसी की आईडी मतलब किसी फ़ोन नंबर से उसकी FBI ID खोजने का। तो गाइस आपको ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।